चलो भाई जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। आंगन को तो इतना गंदा कर देती है सोसो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, पूरा आंगन में बस कचरा कागज कितना गंदा हो रहा है। जल्दी से सफाई कर लेती हूँ अब मैं, और रजनी की झाड़ू लगकर साफ सफाई हो जाती है इधर। चलो भाई अब इस आंगन की झाड़ू तो लग गई, जल्दी से गाय को और चिड़ियों को पानी रख देती हूँ। और इधर रजनी गाय को पानी देने जाती है और सोसो आवाज लगाती है, माँ माँ आप कहाँ जा रही हैं? सोसो बेटी मैं गाय को और चिड़ियों को पानी देने जा रही हूँ। मम्मी आप सिर्फ गाय को ही पानी दे देना, मैं चिड़ियों को पानी देने जाऊंगी छत पर अभी। ठीक है सोसो, तुम चिड़ियों को पानी देने चले जाओ, मैं गाय को पानी देकर आती हूँ अभी। ठीक है मम्मी मैं अभी जा रही हूँ। इधर रजनी गाय को पानी दे देती है और छत पर चिड़ियों के लिए सोसो भी पानी लेकर आ जाती है। अरे अरे चिड़िया रानी पानी पियो ठंडा ठंडा, मेरी चुनमुन चिड़िया कितनी सुंदर है, देखो देखो इनके तो दो दो अंडे भी हैं और जल्दी ही अंडों में से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। और फिर चिड़िया भी बोलती है, सोसो क्या तुमको पता है कि गांव में एक काल पहेली आया है जो हर साल आता है और उसकी पहेलियों के कोई भी जवाब नहीं दे पाता, और वो इनाम जो हर साल लेकर आता है वो इनाम कोई नहीं जीत पाता। क्या इस बार तुम भाग लोगी उस काल पहेलिया से? क्या वो तुम इनाम जीतना चाहोगी? अरे वाह ये मेरी चुनमुन चिड़िया तो बोलती भी है, देखो कितने अच्छे से बातें कर रही है। हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगी, पर उसके जवाब तो कोई भी नहीं दे पाता, वो तो यूं ही अपना इनाम वापस लेकर जाना पड़ता है उसको। तो तुम अपनी माँ को लेकर जाओ, मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ जरूर उन पहेलियों का जवाब दे देंगी और वो इनाम जीत जाएंगी, और जो कई सालों में नहीं हुआ आज वो हो जाएगा, वो अपना इनाम इस गांव में देकर ही जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया रानी मैं अपनी मम्मी को लेकर जरूर जाऊंगी। और इतना कहकर सोसो वहाँ से चली जाती है, और इतने में सोसो के पापा के पास भी फोन आ जाता है अपने दोस्त का। हेलो, हाँ हाँ रामू बोलो क्या बात है? अच्छा गांव में काल पहेली आ गया है, अरे तो क्या फायदा है, इस गांव में कभी कोई इनाम जीता है वाला, वो तो इस बार भी अपना इनाम वापस लेकर जाएगा, कोई भी उसकी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता। चलो भाई ठीक है तुम कहते हो तो मैं देखने जरूर आऊंगा, हाँ टाइम निकाल कर आ जाऊंगा। और राजू इतनी बात कर कर फोन रख देता है, और इतने में सोसो की माँ भी सोसो के पापा के पास आ जाती है। सुनते हो जी मैं जरा कपड़े धोने जा रही हूँ, आप जरा बच्चों का ध्यान रखना मुन्ना भी ना रोए इतने में। हाँ हाँ रजनी चले जाओ पर जल्दी आना, मुझे भी कहीं जाना है बाहर। ए जी मैं अभी आती हूँ। मैं सोसो भी कहती है, माँ माँ आप रुको जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी कहो ना, अभी मैं यही हूँ, बताओ बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहती हो तुम? माँ माँ मैंने सुना है गांव में काल पहेली आया है। हाँ बेटी तो क्या हुआ, वो तो हर साल आता है यहाँ पर। माँ माँ इस बार मुझे आपके ही साथ जाना है वहाँ पर। अरे बेटी ये क्या बात हुई, मैं कभी जाती हूँ वहाँ? नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जाती ऐसी काल पहेलियों के पास। नहीं माँ मुझे तो आपके ही साथ जाना है, जाना होगा आपको, चलो। अरे रजनी सोसो इतनी जिद कर रही है तो चलो ना, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। अरे मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, मेरा वहाँ क्या काम? माँ माँ मैं उस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, आप उस पहेली की जवाब देना। पर बेटा मैं जवाब कैसे दे पाऊंगी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है वो क्या पूछने वाला है क्या पूछता है। माँ आपने उस दिन फातिमा की पहेली का कितने अच्छे से जवाब दिया था, चलो ना माँ आज भी वहाँ ऐसे ही जवाब दे देना, चलो ना माँ। चलो रजनी सोसो इतनी जिद कर रही है तो आज तुम्हें चलना ही होगा, चलो। चलो ठीक है मैं जरा अपना पर्स उठा कर लाती हूँ फिर अपन चलते हैं। हाँ भाई काल पहेलिया अब अपने सवाल पूछो, मैं ही आई हूँ तुम्हारी पहेलियों के जवाब देने। तुमसे पहले के ही आए और चले गए, तुम क्या जवाब दोगी? इतना घमंड? अरे मैं तुम्हारी पहेलियों के जवाब जरूर दूंगी, देख लेना। ऐसी बात नहीं है, ये घमंड की बात नहीं है, इन पहेलियों का जवाब कोई तो देगा ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम जैसे तो कई आके और चले जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और वापस जाना पड़ता है उन्हें। चलो चलो अपनी पहेली पूछो। तो सुनो, लाल गाय लकड़ी खाए पानी पिए और मर जाए।
लाल गाय लकड़ी खाए, पानी पिए और मर जाए, ये कैसी पहेली है? कुछ और पूछो ना भैया, ये तो मेरे समझ से बाहर है बिल्कुल। मैंने कहा था ना मैडम कि ये आए और चले गए तुम जैसे, मेरी पहेलियों का जवाब कोई नहीं दे पाता। पहेली है तभी तो पूछिए तुमसे। आप जा सकती हैं। चलो, मुझे कोई जवाब नहीं देना तुम्हारी पहेली का। इतने में सासु भी आ जाती है अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी सहेलियों को बैठा हुआ देख के बहुत खुश होती है। फातिमा, बबली, वाह तुम लोग भी आई हो यहाँ पर, और किस किस से पहेली पूछी इन लोगों ने, तुमने कोई जवाब दिया? अरे सोचो, हम तो कोई जवाब नहीं दे पाए, बहुत मुश्किल पहेलियां पूछ रहे हैं ये लोग तो। हम तो इसीलिए बैठकर देख रहे हैं कोई तो आएगा जवाब देने। हाँ सोचो, बहुत मुश्किल पहेलियां पूछ रहे हैं ये लोग तो, मुझे भी इसका कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए बैठकर देख रही हूँ मैं तो। अच्छा, इनाम में क्या क्या है? सोचो, 10,000 रुपए नगद और साइकिल है इनाम में। वाह कितना मजा आएगा। चलो भाई, मैं भी बैठ कर देखती हूँ, अब तो मम्मी को जवाब देना ही पड़ेगा। और इधर रजनी और राजू भी आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो बहुत गदर है, सब बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और साइकिल रखी हुई है। रजनी, अब तुम कंपटीशन में भाग लो, हम लोग यहाँ पर बैठकर देखेंगे तुम्हें। सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आज तक इसकी पहेलियों के कोई ने जवाब नहीं दिए, मैं कहाँ से दे दूंगी? रजनी, तुम्हारे अंदर धैर्य बहुत है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सारे जवाब सही होंगे। आप कहते हैं तो मैं हिस्सा ले लेती हूँ। और इतने में काल पहेली आता है, कहिए बहन जी, क्या आप भी हिस्सा लेंगी इसमें? हाँ हाँ भैया, मैं हिस्सा लेने ही तो आई हूँ। मगर आज तक मेरी पहेलियों के जवाब कोई नहीं दे पाया। मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगी। हाँ हाँ, कोशिश तो सबको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुनो, मेरा पहला सवाल, लाल गाय लकड़ी खाए, पानी पिए और मर जाए। लाल गाय लकड़ी खाए, पानी पिए, मर जाए। सोचकर बताती हूँ भैया। आग, मेरा जवाब है आग। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब दो सवालों के जवाब और दो, और ये साइकिल तुम्हारी। पूछिए वो दो सवाल और आप पूछिए मुझसे। पूछिए आप दूसरा सवाल। हाँ तो सुनो, एक द्वार पर ऐसा घोड़ा जिसने चाहा पेट मरोड़ा। एक द्वार पर ऐसा घोड़ा जिसने चाहा पेट मरोड़ा। ताला चाबी। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। आप तो बहुत समझदार लगती हो, आप तो मेरी इस पहेलियों के जवाब फटाफट देती चली जा रही हो। और यहाँ पर ये सब सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। अब मेरा तीसरा सवाल, और ये साइकिल आपकी, आप ये साइकिल जीत जाएंगी। पूछिए आपका तीसरा सवाल भी पूछिए। सुनो मेरा तीसरा सवाल। ये सवाल बहुत मुश्किल है, इसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा तुमको। एक बस इस गांव से चंदनपुर गांव तक जाने में 2 घंटे का समय लेती है। और फिर वही बस चंदनपुर गांव से इस गांव में तक आने में 1 घंटे 60 मिनट का समय लेती है। आने और जाने में इतना फर्क क्यों? रास्ता तो एक ही है ना, ना वो रास्ते में रुकती है और ना कहीं और जाती है, फिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, देखते हैं अगले एपिसोड में रजनी इस पहेली का जवाब दे पाएगी। तो क्या रजनी ये साइकिल जीत पाएगी?